करते बच्चों सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश कुमार वर्मा और मैं आज क्लास 10th का एक टॉपिक है दर्पण, और उसमें से मतलब हम एक क्लियर करेंगे कि कोई दर्पण है तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे, किस दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है ये जानेंगे, ठीक है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसे हम बात करें, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं वो तीन होते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि किसी भी दो नियम को लेकर के आप प्रतिबिंब बना सकते हैं, यानी किरण आरेख खींच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब किस दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अगर बात करें हम, आपको पता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जो गोली दर्पण की हम बात करें तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, ठीक है, बात करते हैं जब हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है ना वो प्रत्येक कंडीशन में, ठीक है, प्रत्येक कंडीशन में क्या बनता है, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। देखिए, जब भी सीधा बनेगा, सीधा के साथ साथ प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। आभासी का मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब जब आप किरण आरेख खींचेंगे तो जो किरण है वो वास्तव में मिलते नहीं है, बल्कि मिलते हुए क्या होती है, प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो वह हमेशा क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, और हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वस्तु जितना बड़ा होता है उससे छोटा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और बात करते हैं उसके बाद अवतल दर्पण की, तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना वो डिपेंड करता है कि वस्तु को दर्पण से कहाँ रखा गया, कितना दूर रखा गया। तो दर्पण से मतलब दूरी, मतलब जिस दूरी पर रखा गया है उसके अनुसार क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यानी और एक चीज और कि अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है, हमेशा नहीं तो हम कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर कंडीशन में, यानी ऐसे कहें कि सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके बाकी सभी कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनेगा। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है तो प्रतिबिंब सीधा होता है, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो ये और उसकी जो साइज की अगर बात करें, ठीक है, उसकी साइज की अगर बात करें तो साइज ये डिपेंड करेगा कि वस्तु को कहाँ रखा गया है, वस्तु के रखने के दृष्टि से प्रतिबिंब की जो आकार होता है ना वो क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स जो प्रतिबिंब के वस्तु को दर्पण से कुछ दूरी पर रख के बनाया गया है, और कहाँ हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण द्वारा हम किरण आरेख कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले आप ये चीज आपको याद रखना होगा, सबसे पहले समझिएगा ये आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। इसमें जो जो पॉइंट है सब हमने डिस्कस किया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो उसको जरूर एक बार जाकर देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ये आपका फोकस है और ये आपका होता है वक्रता केंद्र, ये आपका होता है वक्रता केंद्र जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इधर आप एक किनारे को ले लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या है इसको समझिएगा, हमने यहां लिखा प्रतिबिंब की स्थिति,
प्रतिबिंब की स्थिति। यहां हमने लिखा वस्तु की स्थिति, और यहां है प्रकृति, जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या होगी। देखिए अगर आप क्या करें, वस्तु को कहां पर रखें, इंफिनाइट पर, यानी वस्तु को जब आप यहां रख रहे हैं, ठीक है, ये आपका इंफिनाइट है, अगर वस्तु को आप यहां रख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु जब कहां होगा, वस्तु जब होगा इंफिनाइट पर यानी अनंत पर, तो जो इसका प्रतिबिंब होगा ना वो आपका बनेगा फोकस पे, कहां बनेगा फोकस पे यानी एफ पर। थोड़ा समझिएगा, जब आप वस्तु को कहां रख रहे हैं, अनंत पे रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ पर बनता है। इसकी प्रकृति की बात करें तो बनेगा ये वास्तविक की बनेगा, फिर उल्टा बनेगा। हमने पहले ही कहा था कि वास्तविक के साथ हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसकी अगर हम बात करें, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर वस्तु को आप इंफिनाइट पर रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बन, छोटा नहीं बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, और कहां बनेगा, एफ पर। चलिए अब आप वस्तु को क्या कीजिए ना, इंफिनाइट और सी के बीच में रखिए, यानी वस्तु को आप यहां कहीं पर रख रहे हैं, ठीक है, वस्तु को आप यहां कहीं पे रख रहे हैं, मतलब इंफिनाइट और सी के बीच में, यानी वस्तु को रख रहे हैं इंफिनाइट और सी के बीच में, यानी अनंत और सी के बीच में, तो जो प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच में बनेगा, कहां बनेगा, एफ और सी के बीच में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप प्रतिबिंब को दर्पण के करीब ले जाएंगे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे वस्तु को आप दर्पण के करीब ले जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से दूर होती जाएगी। जैसे आपने देखा जब ये इंफिनाइट पे था कहां बना, एफ पर, और जब ये इंफिनाइट और सी के बीच में चला गया तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बन जाएगा। यहां क्या होगा, यहां वास्तविक अब भी होगा, उल्टा होगा, और यहां बहुत छोटा था तो क्या आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, वस्तु को कहां रखते हैं, सी पर, कहां रखेंगे, सी पर। सी मीन्स वक्रता, वक्रता केंद्र। जब वस्तु आप वक्रता केंद्र पर रखेंगे यानी सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो कहां बनेगा, वो सी पर ही बनेगा, कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा। थोड़ा समझिएगा, अगर वस्तु को आप सी पे रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, तो ये अब भी वही होगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। किसके बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, ठीक है। ऐसा यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि प्रतिबिंब को थोड़ा और करीब ले जाते हैं, यानी यहां से ला करके हमने वस्तु को, सॉरी वस्तु को, प्रतिबिंब को नहीं, ये वस्तु को और करीब ले जाएंगे, यानी सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो जैसे जब आप सी और एफ के बीच में रखेंगे, यानी वस्तु को कहां रख रहे हैं, सी और एफ के बीच, ठीक है, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, तो जो वस्तु बनेगा ना वो कहां बन जाएगा, सी और इंफिनाइट के बीच में, यानी ऐसे कहें सी और अनंत के बीच में, ठीक है, वस्तु बनेगा। और बनेगा कैसे, तो ये वास्तविक अभी होगा, उल्टा ही होगा, और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, यहां बराबर था, यहां वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चल अब फिर हम क्या करते हैं, वस्तु को कहां रख देते हैं, एफ पर, कहां रख रहे हैं, एफ पर। तो जब वस्तु को आप एफ पर रखेंगे ना, यहां पर आप वस्तु को रख दिए, तो जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा, कहां बनेगा, अनंत पर, ठीक
ठीक है, वस्तु को जब आप F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसे बनेगा, वास्तविक अभी होगा उल्टा होगा और वस्तु से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है, शायद यहां तक दिख रहा होगा, तो यहां लिखा हुआ है वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो ए था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कहां वस्तु पे कहां वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब वस्तु कहां होगा, अब थोड़ा यहां पर एक लॉजिक समझिएगा, जब वस्तु को आप इनफिनाइट पे रख रहे थे, ठीक है, यानी जब वस्तु को आप अनंत पे रख रहे तो प्रतिबिंब कहां बना था, एफ पर। अब जब वस्तु को आप एफ पर रख रहे हैं ना, तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा, यानी यहां पर है तो यहां बनेगा, अगर वस्तु यहां पर है तो प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, ये दूसरे उल्टा हो रहा है। फिर आगे देखिए, जब अनंत और सी के बीच में, जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, सी और एफ और सी के क्या बीच में, मतलब जब अनंत और सी के बीच में होगा तो एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और यहां देखिए, जब एफ और सी के बीच में होगा ना तो अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी एक दूसरे के क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इन कंडीशनों में प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और इसके जो डिपेंड करता है, इसकी जो साइज है वो डिपेंड करता है कि वस्तु को कहां रखा गया। ठीक है, एक कंडीशन और बचता है, इस कंडीशन में जो होता है, जो वस्तु का तो आई होप आप इससे समझ गए होंगे और आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, एक कंडीशन और बचा हुआ है, वो कंडीशन क्या है, अगर ये वस्तु को आप क्या करते हैं ना, एफ और पी के बीच में रखते हैं, कहां रखते हैं, एफ और पी के बीच में, तो जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा कैसे बनेगा, समझिएगा, अगर हम वस्तु को एफ और पी के बीच में रख रहे हैं, यानी एफ मीन्स फोकस और पी मीन्स दर्पण का ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, तो जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो जब एफ और पी के बीच में आप रख रहे हैं, यानी एफ और पी के बीच में, तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, देखिए अब होगा क्या, अभी तक तो वस्तु इधर रखा जा रहा था और प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा था, यानी वस्तु को बाएं तरफ रखेंगे तो प्रतिबिंब भी बाएं तरफ बनेगा। ठीक है, अब वस्तु को हम जब इधर रखे, यानी एफ और सी के बीच, यानी एफ और पी के बीच में रखा गया, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये बन जाएगा दर्पण के दूसरी तरफ, है ना, यानी ऐसे कहें कि हाँ लिख देते हैं, दर्पण के पीछे, कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसे बनेगा, तो बनेगा ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो हमने आपसे कहा था कि जब भी वस्तु को वस्तु जो होता है उसका प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, तो समझ जाएगा कि आभासी के साथ साथ हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा, तो प्रतिबिंब की जो आकार होगा, मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये थे कंडीशन अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का। तो हमें आशा आपको ये समझ में आया होगा। एक हम लोग किरण आरेख खींच करके देख लेते हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, यानी किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी कंडीशन एक उठा लीजिए, उससे हम लोग देख लेंगे। हमने आपसे कहा था कि हम जब भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो सिर्फ दो नियम को ही लागू करते हैं, यानी नियम तो हमने तीन पढ़ा था प्रतिबिंब बनने का, उसमें से कोई दो नियम लगा करके हम प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी किरण आरेख खींचते हैं। तो हमने एक फिगर बनाया, इसको हम बनाते हैं, अगर वस्तु को आप इन्फिनाइट यानी अनंत और सी के बीच में रखते हैं, कहां रखते हैं, अनंत और सी के बीच में, तो आपको पता है जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, अनंत और सी के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब बनेगा ये एफ और सी के बीच में। ठीक है, एफ और सी के बीच में। अब खींचेंगे कैसे किरण आरेख, बात समझिएगा, ए आपका क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ए आपका एक अवतल दर्पण है, ए इसका मुख्य अक्ष है,
हमने कहा कि ये आपका अनंत और ये आपका C है, या ये आपका C है, ए एफ, ठीक है, और ये आपका P होता है। तो हमने तीन नियम पढ़े थे, उसमें से कोई दो नियम हम लागू करेंगे और इस किरण को खींचेंगे। हमने पहला नियम क्या लगाया, क्या आपने पढ़ा है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, हमने देखिए वस्तु को, सॉरी आपने वस्तु को मान लिया यहां रखा है, ठीक है, यहां पर हमने वस्तु को रखा है, ये वस्तु है ए बी। हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर आती है, यानी जब समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर लौट आएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा कोई रूल लगा लीजिए, हमने एक और रूल लगाया, कौन सा रूल आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से हो जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये चीज आप पढ़े हुए हैं। तो आप देखेंगे क्या कि ये जो दोनों कीड़े हैं, ठीक है, दोनों जो कीड़े हैं कहां मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, और इसी से अगर मुख्य अक्ष पे हमने क्या किया, लंब डाल दिया, इसी से हमने मुख्य अक्ष पे क्या किया, लंब डाला, तो ये जो होगा यही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अगर वस्तु ए बी है ना तो प्रतिबिंब इसका उल्टा हो जाएगा, ए डैश और ये आपका बी डैश, ए डैश और क्या हो जाएगा, बी डैश। एक बार फिर से समझिएगा, हमने यहां से एक प्रकाश किरण खींचा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो ये कहां से फोकस होकर लौट आती है, ये हमने एक नियम पढ़ा था। दूसरा नियम पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से प्रभावित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये आपका हो गया समांतर। जब आप इसको देखिए, दोनों कीड़े जहां मिलेंगे ना उस कटान बिंदु पे, उस कटान बिंदु से हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, और जब मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे तो वही जो होगा वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। हमने और भी कंडीशन बनाया, बताया था कि वस्तु को कहां रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप उसको प्रयास कीजिएगा लगाने का, और हम लोग जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। लगता सही।